देश भर में बाढ़ से मचे हाहाकार के बाद अब बुंदेलखंड के जालौन में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। जालौन के कालपी तहसील क्षेत्र से निकली यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना में अचानक बढ़े जल स्तर के कारण दर्जनों गांवों में बाढ़ का संकट मंडराया हुआ है। बढ़े जल स्तर के कारण यमुना किनारे बसे गांवों का संपर्क मुख्य धारा से टूट चुका है। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल भी जलमग्न हो चुकी है। रियासी इलाकों में भी यमुना का पानी पहुंचने लगा है, जिससे लोग पानी के बीच से निकलने को मजबूर हैं। जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व राहत बचाव कार्य के तमाम दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जालौन का कालपी क्षेत्र यमुना से घिरा हुआ है। वहीं यमुना में अचानक बढ़े जल स्तर के कारण यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बड़े जल स्तर के कारण यहाँ की बीहड़ पट्टी के गाँव मंगरौल, गुढ़ा, देवकली सहित दर्जनों गाँवों में बाढ़ का संकट छाया हुआ है। इन प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा इंतजामों और राहत बचाव के तमाम दावे कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली और न ही कोई इंतजाम किए। वहीं यमुना में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण अब यमुना का पानी रिहायशी इलाकों में भी पहुंचने लगा है, जिससे लोग पानी के अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से गुजर रहे हैं। माता जी, आपकी क्या समस्या है? अरे यार, समस्या है कहाँ, भागन की समस्या नहीं है, पूरे छत्तों में पानी घुस गया। चार दिन से परेशान हो रहे हैं, ना प्रशासन कोई सुन नहीं रहा है। सरकार ने यहाँ पर शासन की वजह से क्या चीज नहीं मिली आपको? यहाँ ना तो ना हुआ है, ना खाने पीने के बीच में टॉपिंग बस नहीं। यहाँ पे देखने को तो मिल रही है एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ की टीम क्या कर रही है यहाँ पर, आपको ले जाने और ले जाने का काम नहीं कर रही है? वहाँ भी टापू बसे, वहाँ कौन ले जाने जाएगा भाई? तो किस तरीके की यहाँ पर जो है आप व्यवस्था चाहते हैं सरकार द्वारा? हमको ये चाहते हैं कि वहाँ पार भेजो, हमको उस तरफ जाना है, खाने पीने के साथ होना चाहिए सुविधा। सर के लिए खाने पीने का कोई अभी तक कोई नहीं पहुँचा शासन ने, कुछ नहीं कुछ। शासन आपकी क्या मदद कर रहा है? प्रशासन किसी प्रकार कोई मदद नहीं कर रहा है, निष्क्रिय है। कोई देखने तक और कोई पूछने तक नहीं आया है कि तुम्हारा मकान भर गया है, तुम्हारा क्या हाल चाल है, किसी प्रकार की कोई सूचना ना कहते आया है। आपका नाम? ना मदद कर रहा है। मेरा नाम बालेंद्र कुमार।